नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्टेंट जानकारी में। अगर चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको अपडेट करना रहता है कि जो भी अपडेट हो आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, जो आप जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है 29, 30 जून और 1 जुलाई को, उसका रिजल्ट है 5 जुलाई को आ चुका है और आपने अपना रैंक भी देख लिया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस अब स्टार्ट होती है काउंसलिंग की प्रोसेस, क्योंकि एडमिशन से पहले आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस रहती है। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस में रहता है आपका, आपने चॉइस फिलिंग करनी होती है, उसके बाद अलॉटमेंट होती है, पेमेंट ऑफ फी रहता है। तो ये काउंसलिंग की शेड्यूल, जैसे कि अभी जो फेज़ टू का काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो जो 5 जुलाई को आपका रिलीज ऑफ रैंक लिस्ट आपकी रिलीज कर दी गई थी। राउंड वन की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो 6 जुलाई 7 जुलाई 8 जुलाई तक आपको चॉइस फिल करना था, उसके बाद 9 जुलाई को अलॉटमेंट हो चुकी है जो भी कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो आज नियर अबाउट 11 जुलाई हो चुका है। दोस्तों 11 जुलाई की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप 10 जुलाई से 13 जुलाई तक, यानी आप पेमेंट ऑफ फी कैंडिडेट्स कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राउंड वन की काउंसलिंग की अलॉटमेंट 9 जुलाई को हो चुकी है और पेमेंट ऑफ फी रहेगी आपकी 10 जुलाई से 13 जुलाई। तो उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स का रहता है कि जो कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट नहीं होती, वो सेकेंड राउंड के लिए अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लॉगिन अपना लॉगिन करके यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आपका जो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग रहती है, 15 जुलाई टू 16 जुलाई चॉइस फिलिंग रहती है, 18 जुलाई अलॉटमेंट रहती है, 19 जुलाई टू 22 जुलाई को आपका सेकंड राउंड का पेमेंट ऑफ फी रहेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं। तो जो जिन कैंडिडेट्स के सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं होती, वो थर्ड राउंड में अपने चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 24 जुलाई टू 25 जुलाई 2021, और उसके बाद 24 जुलाई एंड 25 जुलाई, उसके बाद 27 जुलाई का आपकी अलॉटमेंट रहती है और 28 जुलाई टू 31 जुलाई तक पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी रहती है आपकी। तो आगे देख लेते हैं, द स्टूडेंट यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया, द स्टूडेंट्स विल हैव टू डू द चॉइस फिलिंग करनी होगी, प्रोग्राम सिलेक्शन करना होगा ड्यूरिंग द डेट मैंशन इन द शेड्यूल। जो शेड्यूल ऊपर दिया गया है इसके हिसाब से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, उसके बाद ही आपको सीट अलॉटमेंट का आपको, अगर आपका जो भी रहेगा डिपेंडिंग ऑन द रैंक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट, द अलॉटमेंट विल बी डन। ठीक है, अलॉटमेंट डिटेल विल बी अवेलेबल इन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे आप चेक कर पाओगे जिस भी कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट होगी। तो यही अपडेट था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसे ही चैनल में कोई नया अपडेट आता है तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक का अपडेट ये था। थैंक यू।